बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री चैप्टर से है। सॉल्व 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपन वाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपन वाई 1 माइनस एक्स अपन वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो हम कोशिश ये करते हैं कि वेरिएबल को सेपरेट करके हम इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लें, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये वेरिएबल को सेपरेट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे ई की पावर में ये एक्स अपन वाई, अब इसको हम एक्स को अलग और वाई को अलग नहीं कर सकते। तो अब हम सेकेंड स्टेप में चाहेंगे कि ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें या डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू फाइंड कर लें, और फिर इसके बाद देखें कि होमोजीनियस है या नहीं। तो होमोजीनियस को चेक करने का एक तरीका ये भी है कि यहाँ पर जैसा कि स्पेशल केस है थोड़ा, कि एक्स अपन वाई की फार्म में लिखा हुआ है, तो हर जगह एक्स अपन वाई अगर है यहाँ पर तो ये होमोजीनियस में आ जाएगा, क्योंकि इसकी वन डिग्री, इसकी वन डिग्री ये डिवाइड होने पर कैंसिल होकर ज़ीरो डिग्री, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ऐसे हर एक टर्म कांस्टेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ऐसे केस में हम डी वाई और डी एक्स ना निकाल के, क्योंकि एक्स अपन वाई है तो डी एक्स ओवर डी वाई फाइंड करेंगे। तो इस स्टेप को लिखने के बाद में हम पूरे इक्वेशन को डी वाई से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो गिवन इक्वेशन है वो ऐसा आ जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपन वाई, और ये आ जाएगा डी एक्स अपन डी वाई प्लस ई टू द पावर एक्स अपन वाई और 1 माइनस एक्स अपन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरीके से एक्स अपन वाई यहाँ पर हमने इसको बनाया है, क्योंकि इसको देख के एक्स अपन वाई को देखते हुए यूजुअली हम इसको वाई अपन एक्स ही बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसा कि ई की पावर में ये है एक्स अपन वाई और इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको किया। अगर हमने डी वाई ओवर डी एक्स बनाया होता तो फिर हम जो सब्सटीट्यूट करते हैं वाई अपन एक्स की जगह पर वी यूजली, तो यहाँ पर 1 अपन वी की फार्म लिखा जाएगा, तो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हो सकता है इसको इंटीग्रेट करना भी इम्पॉसिबल हो। तो इसलिए हम इसको जिस फार्म में ये लिखा है एक्स अपन वाई, उसी फार्म में हमने इसको भी बनाया है, यानी डी एक्स ओवर डी वाई। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहाँ पर छोड़ देंगे, और ऐसे केस में होमोजीनियस है ये, तो इसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाए, तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे, यहाँ पर पुटिंग एक्स अपन वाई को ही वी मान लेंगे, लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी डी एक्स ओवर डी वाई की। तो इसके लिए हम इस वाई को पहले राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो वी इंटू वाई हो जाएगा, और इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यहाँ पर एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, इसमें फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डिफ्रेंशिएशन होता है, किसी को भी फर्स्ट या सेकंड माना जा सकता है। इसको एस के वाई को ऐसे लिखा और वी का डिफ्रेंशिएशन डी वी ओवर डी वाई हो गया, प्लस अब की हम वी को ऐसे लिखेंगे और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन वन हो गया। तो इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर हम पुट कर देंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 इस तरीके से चेंज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपन वाई को हमने वी माना है, और ये डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू इस ये फाइंड की है, इसको हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, वाई डी वी ओवर डी वाई प्लस का वी और प्लस ई टू द पावर वी 1 माइनस वी हो जाएगा, एक्स अपन वाई को हमने वी पुट किया है और इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं वेरिएबल सेपरेट हो, तो दो टर्म होने चाहिए, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो 1 प्लस ई टू द पावर वी इस फैक्ट टर्म को ऐसे लिख देंगे, वाई डी वी ओवर डी वाई प्लस वी इज इक्वल टू, ये टर्म माइनस का हो जाएगा, ई टू द पावर वी 1 माइनस वी। अब हम इस टर्म को, इस फैक्टर को राइट हैंड साइड में पहुँचाएँगे, तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी वाई डी वी ओवर डी वाई प्लस वी इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर वी 1 माइनस वी अपान में आ जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर वी। अब इसमें वी को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो वाई डी वी ओवर डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर वी 1 माइनस वी अपान
वन प्लस ई टू दी पावर वी, और इस टर्म को जब उधर लेगा तो माइनस का वी हो जाएगा, इस वी को राइट हैंड साइड में लेगा और अपान बंद करते हुए जिस तरीके से ये फ्रैक्शन में लिखा है ऐसे इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके एलसीएम ले लेंगे वन, और इसका एलसीएम यही आ जाएगा यानी वन प्लस ई टू दी पावर वी आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है एज इट, इसको नोट कर लेंगे विदाउट एनी चेंज, वाई डी वी ओवर डी वाई इज इक्वल टू, और यहाँ पर चाहे तो माइनस को पूरा कॉमन ले लें या फिर इस माइनस को अब न्यूमरेटर में ही लिखेंगे, तो वन प्लस ई टू दी पावर वी और ये माइनस आ जाएगा ई टू दी पावर वी वन माइनस बी। सिंपली इसको समझ सकते हैं कि वन का इधर इंटू हो जाएगा और ये वन प्लस ई टू दी पावर वी का इस वी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों ही टर्म माइनस के हैं तो माइनस को लिख लेंगे यानी माइनस का वी और वन प्लस ई टू दी पावर वी। अब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो माइनस ई टू दी पावर वी का इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, माइनस ई टू दी पावर वी माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा वी इंटू ई टू दी पावर वी, ऐसे इस माइनस वी का इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ही टर्म माइनस के हो जाएंगे और अपान में वन प्लस ई टू दी पावर वी है, देख रहे हैं ये प्लस का टर्म है ये माइनस का लाइक टर्म है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वाई डी वी ओवर डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर वी माइनस वी अपान में वन प्लस ई टू दी पावर ये वी है, और इसमें से माइनस साइन को अगर कॉमन ले लेते हैं बाहर ले लेते हैं तो ई टू दी पावर वी प्लस वी अपान वन प्लस ई टू दी पावर वी हो जाएगा, ये वाई डी वी डी वी ओवर डी वाई है। अब यहाँ से डी वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं आसानी से, जिधर वी डी वी है उस तरह हम वी वाले फैक्टर्स ले जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में ये पहुंच जाएगा न्यूमरेटर में वन प्लस ई टू दी पावर वी, और ये पहुंच जाएगा डिनोमिनेटर में यानी ई टू दी पावर वी प्लस वी, और डी वी यहाँ पर लिखना है और बाकी ये माइनस यहाँ पर छोड़ा राइट हैंड साइड में, और वाई वाले जो फैक्टर्स हैं उनको राइट हैंड साइड में ले आते हैं डी वाई न्यूमरेटर में, और वाई जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया। अब जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे हो गए हैं तो अब हम इनको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ऑन इंटीग्रेशन जब इंटीग्रेट यहाँ पर हम कर रहे हैं तो दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, और देख रहे हैं कि फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन है उसको हम वी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, इसमें हम v को अगर पहले लिख दें और e टू दी पावर v को बाद में लिख दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस का साइन है इनके बीच में, और हम इस माइनस को इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख दें, यहाँ वन का इंटू मान सकते हैं यानी वन वाई 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 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें कि इसको कुछ मानते हैं तो डी ये t मानते हैं तो ये dt हो जाएगा, इसलिए हम मान लेते हैं v प्लस e टू दी पावर v को t मान लें, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपको मालूम है v का डिफरेंशिएशन डी वी हो जाएगा और e की पावर v का e की पावर v, लेकिन v का दोबारा से करेंगे डिफरेंशिएशन डी वी और t का डिफरेंशिएशन डी टी हो जाएगा। डी वी को राइट हैंड साइड में बाहर ले लें तो वन प्लस ई टू दी पावर v डी वी आ जाएगा डी वी को कॉमन लेने के बाद में, तो ये चीज़ जितनी नज़र आ रही है हम लोगों को यहाँ पर न्यूमरेटर में नज़र आ रही है, तो इसकी जगह पर हम डी टी रख देंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा इस तरीके से डी टी लास्ट इक्वेशन, इसको हमने टी माना था अपान में जो था, तो डी टी वन अपान मान सकते हैं वन अपान टी डी टी, और राइट हैंड साइड में माइनस वन अपान वाई डी वाई है। इस तरीके से वन अपान एक्स का लॉग एक्स इंटीग्रेशन होता है, वन अपान वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई हो जाएगा, और यहाँ पर वन अपान टी है तो वन अपान टी का इंटीग्रेशन लॉग टी हो जाएगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम लॉग की फार्म में ऐड कर लेते हैं लॉग सी। अब इसको पहुँचा देते हैं लेफ्ट हैंड साइड लॉग वाई को ताकि प्लस हो जाए, ये तो ये लॉग टी था और प्लस हो जा चुका है लॉग वाई, राइट हैंड साइड में लॉग सी है और ये दो लॉग हैं प्लस हैं बीच में तो लॉग एक बार लिखेंगे, और प्लस होने की वजह से इन वाई और टी का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, इन टी इंटू वाई हो जाएगा, राइट हैंड साइड में लॉग सी है, दोनों साइड के लॉग हटा दिए जाएंगे क्योंकि अब हम एंटी लॉग ले लेंगे तो ओनली टी वाई बचेगा और सी बचेगा। टी की वैल्यू हम वापस कर दें, टी की वैल्यू जो भी हमने यहाँ पर मान रखी थी उसको वापस करें, टी की वैल्यू थी वी प्लस ई टू दी पावर वी और ये वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, और हम इस वी की वैल्यू भी मानी हुई है इसको वापस कर दें
वी की वैल्यू शुरू में देख लीजिएगा, x अपन y थी प्लस e टू द पावर x अपन y मल्टीप्लाइड वाई वाई इक्वल टू सी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, y का इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, y अपन x अपन y में भी y का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस टर्म में भी y का मल्टीप्लाई होने पर हमको मिल गया इतना, y से y ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमको जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका जनरल सॉल्यूशन मिल चुका है, x प्लस वाई एक्स अपन वाई इज इक्वल टू सी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वाखर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।